सो गाइस इट्स सुब्रतो हेयर, सो वेलकम बैक टू माय अनदर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट वीडियो। सो गाइस इस प्रीवियस कुछ दिनों से मैं लगातार होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ। ओके तो गाइस इन सब जो प्रोजेक्ट है जो होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, तो गाइस इस प्रोजेक्ट में जो एक मॉड्यूल कॉमन है तो गाइस वो है रिले मॉड्यूल। ओके तो गाइस आज हम रिले मॉड्यूल को बनाने सीखेंगे। ओके तो गाइस पहले मैं एक फोर चैनल रिले मॉड्यूल बना के दिखाया था, लेकिन गाइस आज मैं बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर एक सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल आपको बना के दिखाऊंगा। ओके तो गाइस आज की टॉपिक उसके है, तो गाइस चले बनाते हैं। ओके तो गाइस इसके लिए हमें कुछ रिक्वायर्ड कंपोनेंट चाहिए, तो गाइस आप ध्यान से देख लीजिए क्या क्या चाहिए हमें। ओके कंपोनेंट दिखाते दिखाते मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो गाइस आप जब एक सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल खरीदने जाओगे या तो मार्केट पे या तो ऑनलाइन स्टोर पे, तो गाइस आपको वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पे करना पड़ता है। ओके सो गाइस इसलिए मैंने ये सिंगल चैनल रिले मॉड्यूल का जो सर्किट है मैं इसलिए जो मॉड्यूल है इसको मैं घर पे बनाने का सोचा। ओके तो गाइस हमें कुछ इन्हीं कंपोनेंट का चाहिए बनाने के लिए। ओके तो गाइस चलिए मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ओके बहुत ही एक सिंपल सर्किट डायग्राम। ओके तो गाइस इसलिए मैंने अपना पीसी ओपन करूंगा, उसके बाद मैं पीसी पे अपनी जो फेवरेट सॉफ्टवेयर है मैं उसको ओपन कर लूंगा। ओके तो गाइस उसके बाद मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ओके तो गाइस मैं यहाँ पर कुछ फास्ट करूंगा, लेकिन गाइस आपको एंड में सर्किट डायग्राम मिल जाएगा। ओके तो गाइस यही था कुछ सिंपल सा सर्किट डायग्राम। ओके तो गाइस आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट को मतलब जो सर्किट का स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे भी बना सकते हो। ओके तो गाइस मुझे तो यहीं पर बना वीडियो पे आपको बना के दिखाना है, तो गाइस इसलिए मैं फटाफट अपने पीसी पर सारी की सारी जो कंपोनेंट में लिया था रिले रेडी कनेक्टर टर्मिनल ब्लॉक मैं हर एक कंपोनेंट को अपनी अपनी जगह पर बिठा दूंगा। ओके उसके बाद तो गाइस मुझे सोल्डरिंग भी करना है, तो गाइस चलिए मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ। ओके सो गाइस मुझे लगता है आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरे सारे के कंपोनेंट वगैरह है, वो मैंने अपने पीसीबी पर बिठा चुका हूँ। ओके तो गाइस आप बारी है सोल्डिंग करने की। ओके तो गाइस मैं इसे अपलोड 30 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा। ओके सो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो रिले बोर्ड है वहाँ पर कंप्लीट होके आ चुकी है। तो गाइस इस जो रिले बोर्ड है इसमें एक दिक्कत है, मैं वो भी बताऊँगा, मैं कोई भी बात यहाँ पर छुपाऊँगा नहीं। ओके तो गाइस यहाँ पर जो रिले बोर्ड है उसमें मैं 12 वोल्ट का रिले यहाँ पर यूज़ किया है। ओके तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने दिखाया था कंपोनेंट लिस्ट में, तो गाइस आप यहाँ पर इसे जो 5 वोल्ट का रिले आता है ना उसको यूज़ करना, क्योंकि गाइस हम लोगों का जो ये रिले बोर्ड हम इसे एडवांस टाइप बोर्ड लाइक आर्डुइनो लाइक नॉट एमसी उसके साथ यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस इसलिए हमें जो यहाँ पर जो रिले है ये हमें जरूर जरूर 5 वोल्ट का यूज़ करना होगा। ओके तो गाइस यहाँ पर मैं इसका छोटा सा टेस्टिंग करके दिखाऊंगा, मतलब सिंपल सा एक ट्रिगर करके दिखाऊंगा जैसे हमारा रिले बोर्ड सिंपल सा मतलब वर्क करेगा। ओके तो गाइस चलिए वो भी करके मैं दिखाता हूँ। ओके तो गाइस मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, तो गाइस अगर आपको इस रिले बोर्ड को लाइक ऑर्डरिंग के साथ यूज़ करना है, तो गाइस जो रिले बोर्ड में 12 वोल्ट की जगह आपको 5 वोल्ट का रिले यूज़ करना जरूर होगा। ओके तो गाइस इसलिए मैं आपको इस रिले बोर्ड को पार अप करके दिखाता हूँ। ओके तो गाइस इसलिए मैं यहाँ पर जो 12 वोल्ट यहाँ पर एक्सटर्नल इनपुट दे रहा हूँ। ओके तो गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो यहाँ पर जो मैंने रेड एड लगा था तो मैंने लिखा था जो पावर अप होगा तब ये इंडिकेट करेगा। ओके तो गाइस उसमें एक और एक एल है और यह ग्रीन, तो गाइस ग्रीन एल तभी ग्लो होगा जब हम इसको ट्रिगर करूँगा। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर सिंपल से ट्रिगर कर रहा हूँ जो 12 वोल्ट का पॉजिटिव लेकर। ओके तो गाइस देखिए जो ग्रीन एल है वो इंडिकेट कर रहा है, और जो रिले भी वो भी आपको साउंड दे रहा है। ओके जो मतलब जो रिले है वो वर्क कर रहे हैं। ओके
सो गाइस यही था कुछ सिंपल से प्रोजेक्ट रिले बोर्ड के ऊपर। ओके तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक करें। ओके अगर अच्छी भी नहीं लगती कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ओके तो गाइस चलिए मिलते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के साथ।